वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो JNTST और PNITST का ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रैक्टिस के साथ सोल्व करने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस भी हमारे साथ में होती रहे और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका भी सोल्यूशन होता रहे, ठीक है। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका BS नर्सिंग का हो गया, JNM का हो गया, ANM का हो गया, इनकी जानकारी टाइम टू टाइम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। वैसे आपको कोई देने वाला नहीं है तो एमपी नर्सिंग चैनल आपको सारी जानकारी देता रहेगा, बट कंडीशन की चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये केमिस्ट का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद है द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन जब ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ ब्रोमाइन वाटर, सैकरीन अम्ल, सोर्बिटॉल या फिर ग्लूकोनिक अम्ल या फिर मिनिटॉल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इतना सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बट आपने पढ़ा होगा तब सिंपल है ना, तो वो सिंपल सी बात है। ग्लूकोज की आपको रिएक्शन पता हुआ होना चाहिए ब्रोमीन जल से, रिएक्शन पता है कि नहीं है, किन किन को पता नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा क्या बनता है, मेरे को तो पता है, आपको पता है या नहीं है वो तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सो स्टूडेंट, अगर ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करते हैं या फिर ग्लूकोज को ब्रोमीन में मिला देते हैं जल से, ठीक है, तो क्या बनता है, सिंपल ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे ग्लूकोज का रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड। सिंपल, ये रिएक्शन आपको याद रखनी थी और आपके केमिस्ट्री में बुक में दी हुई है, ठीक है, तो क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ देना, और ये क्लियर कर दिया मैंने आपको जो डाउट था, नहीं तो आपको डाउट परेशान करता रहता, ठीक है। इधर आप ग्लूकोज देख ही पा रहे हो, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हुई तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि NCERT को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से उधर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब गायब कर दो स्क्रीन पर जो हमारा दिया हुआ है, क्लियर हो गया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन ग्लूकोनिक अम्ल हो जाएगा, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और डाउट हो तो कमेंट करके बोल देना स्टूडेंट, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रणाली नॉन एरोमेटिक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए केमिकल सिस्टम देन इज नॉन एरोमेटिक। स्टूडेंट, अगर आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इनके बारे में पता है तो आप इजीली इसको हल कर सकते हो, ठीक है। पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, मेरे को देखो पता है कि क्या होता है एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उस हिसाब से मैं तो इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है, साइक्लो, इसको साइक्लो बोलते हैं ना, तो उस प्रकार से क्यों होगा, किस प्रकार से होगा, क्योंकि मेरे को टेबल पता है, आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है, जैसे कि बेंजीन इसका एग्जांपल है, ठीक है, और जैसे कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लोब्यूटाडीन इसका एग्जांपल है, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इसमें दिया हुआ है, तो इसके एग्जांपल इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, यानी कि उसके लिए ये टेबल आपको पता हुआ होना चाहिए। अब 29 में इस प्रकार से पिछली बार इस प्रकार से पूछा गया है, तो संभावना है कि 2020 में एंटी एरोमेटिक आपसे पूछ ले, एरोमेटिक आपसे पूछ ले, तो इसके एग्जांपल आपको पता हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये टेबल ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इतनी सी क्लियरिटी होती है तभी से मैं सबसे बोलता हूँ कि ये टेबल पता हुआ होना चाहिए, बहुत सारे आपके NCERT बुक में भी दी हुई है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, उनके नाम भी पता हुआ होना चाहिए, बहुत सारे को पता ही नहीं हो पाता है कि यह क्या एक्चुअल में, ठीक है, बेंजीन की संरचना और फिनोल की संरचना, ये सारी पता हुआ होना चाहिए। तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर थी नॉन एरोमेटिक की, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, क्लियर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया होगा आपका जो डाउट था कि इसका आंसर ये क्यों है, वो इसलिए यहाँ पर क्योंकि एरोमेटिक,
एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल इस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो फिर भी तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो। और इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बहुत सारी है, तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक यही है। सो स्टूडेंट, अभी आपको बहुत सारा शोर आ रहा होगा, नॉइज आ रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है हमारे तब, खतरनाक आंधी तूफान, गर्मियों में तो यही चलता है और क्या, ज़्यादातर जून के महीने में। क्यों स्टूडेंट, बट ये तो चलता रहेगा, हम प्रेपरेशन करते रहेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है, चाहे आंधी तूफान बारिश क्यों ना जाए, बट लगे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है, तो ये सेकंड हमने कर चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेथेनॉइड केवल +3 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, क्योंकि द लिंथेनॉइड एक्सिबिटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 ओनली बेकाउस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा लेथेनॉइड के बारे में, संक्रमण तत्वों के बारे में, तो इजीली कर सकता है, इसका इजीली आंसर दे सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि लेथेनॉइड में एक छोटा आयन आकार और उच्च प्रभावी प्रमाणिक आवेश होता है, या फिर इंग्लिश में भी दिया हुआ है साथ साथ में, या फिर इसके विन्यास जीडी के जो पोर है विन्यास है, या फिर जो हमारा लेथेनॉइड है एक अनूठा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए स्टूडेंट, इसका जो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है थ्योरेटिकल आपको पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अनूठा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उनके पास, लेथेनॉइड के पास, तो हमारा थर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेथेनॉइड के बारे में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, तो उसका इजीली आप सारा ले सकते हो। ठीक, क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकिरण संकरण यानी कि एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अभिकारक अणुओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को निम्न में रूप में जाना जाता है। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी ऑब्टेन बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और टू फॉर्म एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज ग्राउंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये तभी आएगा तब आपने प्रैक्टिस की होगी एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, तभी आप इसको इजीली कर सकते हो। दिमाग लगाने वाली बात तो है सही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो इसी प्रकार से दिए हुए हैं, और एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा भी ऐसे जिसमें आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको कराए रहा हूँ, सो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेने हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको इनके बारे में पता होगा, पढ़ा होगा, जैसे कि मैं आपको इससे बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो दिमाग लगाइए क्या इसका आंसर हो सकता है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब यही है, पहले क्वेश्चन पढ़ा आपने, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बट आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर मैं तब दूंगा जब आप वन ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, कोई सा भी चार में से अपने माइंड में। ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर दूंगा, उससे कंपेयर कर लेना कि सही था या गलत था, इससे बेटर और प्रैक्टिस क्या हो सकती है। ठीक है, साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हमारे सोल्व हो रहे हैं और प्रैक्टिस भी हो रही है। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन, सिंपल, जिसने पढ़ रखा होगा तो कर ही देगा, कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा होगा तो इजीली कर सकता है स्टूडेंट इसको। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अगर आपको भी इस प्रकार आंसर देना है तो पढ़ लीजिए कॉम्प्लेक्स के बारे में, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। ट्वेल्थ में जिसने अच्छा पढ़ा होगा तो उसका तो श्योर है कि एंट्रेंस एग्जाम अच्छा जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं आपके सारे। ठीक है, तो जितना हो सके फॉलो कीजिए एनसीईआरटी ट्वेल्थ को। क्लियर, अब चलते हैं, ये क्लियर हो गया, सेकंड में राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 30 किलो जूल मोल यूनिट्स एंड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज 75 जूल मोल यूनिट्स केल्विन, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल बी। यदि एक तरल के वाष्पीकरण की एंथैल्पी 13 किलो जूल मोल यूनिट्स है और वाष्पीकरण की एंट्रोपी 75 यानी कि 75 जूल मोल यूनिट्स केल्विन यूनिट्स है, तो तरल का क्वथनांक क्या होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी दी हुई है और एंट्रोपी दी हुई है, तो ऐसे में आपको क्या जो घात करना है वो है क्वथनांक। ठीक है, तो किस प्रकार से करोगे, आपको इसके लिए फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, और वो फॉर्मूला क्या है आपको पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो आप इजीली इसको कर पाओगे।
ठीक। तो वैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो अपन को दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको 30 किलो जूल मोल यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो किलो जूल को यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेंगे जूल में, तो 30 का कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद डेल्टा एस का मान जो दिया हुआ है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन 75 जूल को यही रहने देंगे, क्लियर है। यानी कि हम इसको सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। अब देखते आगे, ठीक है, जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है ना। तो आगे दिया हुआ है डेल्टा जी जीरो दिया हुआ है, उसके बाद ये समीकरण आपको लगाने हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। इसी फॉर्मूले से इसका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। और अभी गया है टी, आपसे पूछा गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, यहाँ पर कर दिया गया है, और इसका सही आंसर कितना आ गया 400 के, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, और इसी प्रकार से आपको घात करना है, ठीक है, बहुत ईजी है ना। तो इसलिए तो कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ताकि आपका सारे डाउट क्लियर होते रहे। वंस अगेन आपको इसका पूरा रिव्यू दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको एक इमेजिनेशन आपके माइंड में बन जाए, ठीक है ना, आपकी हेल्प के लिए। ये देखिए स्टूडेंट, ये पूरा रिव्यू दिया हुआ है, डेल्टा एस से स्टार्ट करके हमने जहाँ तक इसका आंसर दिया हुआ है ना, सारा आंसर दिया हुआ है, 400 के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, और इसी प्रकार अदर जो क्वेश्चन से सोल्व कर लेंगे अपन। सो यहाँ पर 400 के हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल देना, मैंने अच्छे से समझा दिया है, फिर भी किसी के समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना, उनको स्पेशल समझा देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉम हैविंग द क्वांटम नंबर एन 4 दिया हुआ है एंड इस फाइन वैल्यू -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वांटम संख्या n इज इक्वल टू 4 और स्पाइन जो मान दिया हुआ है इज इक्वल टू -1/2 वाले एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी। सिंपल, अगर आपको क्वांटम संख्या की टेबल पता होगी तो आप इजीली इसको कर सकते हो। मेरे को तो टेबल पता है इसलिए मैं यहाँ पर आंसर दे सकता हूँ, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आपकी जो NCERT बुक है वहाँ पर टेबल दी हुई है, वहाँ पर जो क्वांटम नंबर दिया हुआ है, स्पाइन मान वहाँ पर दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है वो भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो वो टेबल आपको पता हुआ होना चाहिए। तो उस टेबल को अकॉर्डिंग यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 16, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 16, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होगी। सो स्टूडेंट, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है आप वहाँ से क्वांटम संख्या और स्पाइन मान और इलेक्ट्रॉन का जो मान दिया हुआ है वहाँ पर कुल नंबरिंग दी हुई है उनको अच्छे से याद कर ले, क्वेश्चन वहाँ से ही बनते हैं अपसर, ठीक है, ताकि आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सको, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलास्टोमर फॉर द गिविंग पॉलीमर। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, नीचे दिए हुए बहुल को यानी कि पॉलीमर्स के लिए प्रत्यास्थलक यानी कि इलास्टोमर की कुल संख्या क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इलास्टोमर क्या होता है, उसकी टर्म क्या होती है, इसके एग्जांपल क्या है, ये सब आपको पता हुआ होना चाहिए। सो बेसिकली इलास्टोमर क्या होता है, जो वो बहुलक होते हैं जिनमें श्यानता के साथ उसमें प्रत्यास्थता भी पाई जाती है, ठीक है, श्यानता के साथ जिसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है उन बहुलकों को हम इलास्टोमर कहते हैं, क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें श्यानता के साथ जो है प्रत्यास्थता भी पाई जाती है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, आपको लिख देता हूं थोड़ा सा यहां पर इसके टर्म। सो स्टूडेंट, यह चीज़ आपको याद रखनी है, प्रत्यास्थलक उन बहुलकों को कहते हैं जिनमें श्यानता के साथ साथ प्रत्यास्थता भी पाई जाती है, ठीक है। इनमें अंतराणु बल अल्फ होते हैं और इनका यंग प्रत्यास्थ गुणांक बहुत कम होता है तथा ये बहुत अधिक विकृत के बाद ही टूटते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। अभी इसकी नंबरिंग पूछी जा रही है कि कितने हैं। सो इसके एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, हमारे जो PVC भी नहीं होता, वुनाइन भी नहीं होता, मिलाइन भी नहीं होता, इसके बाद जो बचे हुए हैं वो सारे होते हैं, यानी कि यहाँ टोटल कितने हैं, फिर 4 बचे हुए, तो 4 ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्लियर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन कंटेन 40% एल्कोहल और 20% CH3OH एंड 40% H2O, ठीक है।
तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का, जो कि आपकी केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है। जिसने केमिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी तो इजीली इसको कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ ताकि आपका सारा ये जो क्लियर है ना, ये जो हमारा सवाल ये क्लियर हो जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आ चुका है मोल फ्रैक्शन का, और इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारे पास सब टर्म सेम है, बट यहाँ पर जो दिया हुआ है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। यहाँ पर एल्कोहल है ना, यहाँ पर मान अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला सेम है, आपको जो आपका जो मान दिया हुआ है वो यहाँ पर कूट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 0.90, ठीक है। सो ये अलग टाइप का, जैसे हम हमारे मान यहाँ पर कूट करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, 0.23 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आप सीख सकते हो, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, वैसे आप इंटेलिजेंट हो, कर सकते हो, इतना सा तो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। अब फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दियो, उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 0.23, ठीक है। सो ये हमारा क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द क्रिस्टल सिस्टम इन विच नॉन ऑफ द एक्सियल लेंथ आर इक्वल बट ऑल द एक्सियल एंगल 19 डिग्री। उस क्रिस्टल प्रणाली का नाम क्या है जिसमें कोई भी अक्षीय लंबाई या समान नहीं है लेकिन सभी अक्षीय कोण 19 डिग्री होते हैं। सो स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपको जो साइंस एमके चैनल पर चैप्टर पढ़ाया था, सेम वहीं से क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, या फिर आप साइंस एमके चैनल पर बने हो तो वहां जाकर भी देख सकते हो। अच्छे से मैंने पढ़ाया था सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर केमिस्ट्री का, सेम वहीं से क्वेश्चन आ गया है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ऐसे आपका सिलेक्शन फिर होता है, ठीक है ना। और लाइफ फिर से टले और क्या, अच्छा कॉलेज मिल गया तो अच्छी जॉब आपको मिलने वाली है, ये तो श्योर है, ठीक है ना। बट आप क्लास अभी लेते नहीं हो तो वो आपकी गलती है, और यही गलती आपको ज़िंदगी भर परेशान करती रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसा ना करें, साइंस एमके चैनल पर जो वीडियो है उसको देखें, समझे। अभी यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें आंसर तो मैं दे दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को टेबल सारी पता है, ना जाने कितनी बार मैं पढ़ चुका हूँ उसको। उस हिसाब से अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, इसका आंसर होगा और तो रोम्बिक यानी कि विषम लंबास। बट आपको समझ में नहीं आ पाएगा सर कैसे कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्लियरिटी होनी चाहिए आप में, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो क्लियर कर देता हूँ मैं कैसे, ये इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले वो टेबल पता हुआ होना चाहिए। अगर वो टेबल आपने वहाँ नहीं देखे तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, बट वो वीडियो देख लेना, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अभी वो टेबल मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ से आपको समझना है। सो स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वो टेबल है, वहाँ का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये टेबल पूरे 7 इसमें दिया हुआ है, बट यहाँ पर 4 फर्स्ट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है 1 से 4 का। तो यहाँ पर घनीय, द्विसम लंबास और विषम लंबास और एकांतास, इसमें अक्षय लंबाइयाँ और अक्षय कोण और क्रिस्टल जालक के नंबरिंग भी यहाँ पर दी हुई है, और एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये सभी मैंने याद करने के लिए आपसे बोला था, क्योंकि प्रे एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है और बन भी गया है, देख लो, ठीक है, और इस बार भी बन सकता है। सो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहीं से लिया गया था कि अक्षय लंबाइयाँ जिसमें सेम नहीं है बट अक्षय कोण 19 डिग्री है सभी, तो वो किस में है, विषम लंबास में देख लो, थर्ड नंबर में, तीसरे में देखो, तीसरे वाले में, इसी में ही तो है और किस में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखोगे तो यहाँ पर अक्षय लंबाइयाँ सेम है बट फिर अक्षय कोण भी सेम ही है, तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई। द्विसम लंबास में देखोगे सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए बी, बी और सी सेम नहीं है बट यहाँ पर अक्षय कोण सेम है सारे के सारे, तो ये भी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसने पूछा था कि अक्षय लंबाइयाँ सेम नहीं होनी चाहिए। तो अब थर्ड में देखोगे तो यहाँ पर अक्षय लंबाइयाँ सेम नहीं है बट अक्षय कोण 90 डिग्री है, तो यही तो चाहिए था हमें, ये हो गया ना हमारा आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट, फिर से रिकमेंड करूँगा आपको कि इसके जो क्रिस्टल तंत्र है, अक्षय लंबाइयाँ हैं, अक्षय कोण है, और इसके क्रिस्टल जालक जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3, 2, 4, 2, ये सारे नंबरिंग आपको याद रखनी है, और इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, क्लियर, तभी पॉसिबल है प्रे एग्ज़ाम को क्लियर करना। सो स्टूडेंट, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है, विषम लंबास हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल्ट इवेंट रेड विथ कॉन्स H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड सॉल्ट वी गिव ऑरेंज रेड वेपर्स, व्हाट इज सॉल्ट ए। लवण ए को जब क्लोराइड लवण बी की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ उपचारित किया जाता है तो ये नारंगी रंग का लाल वाष्प देता है, तो ये ए क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिएक्शन हमको पता हुआ होना चाहिए। कोई भी सॉल्ट ए है, ठीक है, पता नहीं है क्या है। जब उसको सॉल्ट बी की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ उपचारित किया जाता है तो हमारा जो है यह ऑरेंज कलर का वाष्प देता है। तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि जब हम किसी भी क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो किस प्रकार का देता है, ऑरेंज कलर का। बट हमारे पास वो चीज़ जो बनती है वो क्या है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, बट इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी काम बनेगा। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेरे को तो पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा है K2Cr2O7 जो कि दिया हुआ है ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन भी ऑप्शन 2 ही हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है। ये जो दिखता है ना, ये ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ यहाँ पर। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है K2Cr2O7। ठीक है, क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया होगा। और आप जो स्क्रीन देख पा रहे हो ना, ये नारंगी कलर, ऑरेंज कलर, यही है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर, तो ये इस प्रकार का होता है, मैंने आपको दिखा दिया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसका आंसर हमको मिल गया K2Cr2O7, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रिजल्ट फ्रॉम हाइब्रिडिशन, यानी कि वृक्षसमतलीय कॉम्प्लेक्स संकरण से परिणाम स्वरूप मिलता है। इसके लिए कुछ नहीं, आपको बस एक सिंपल से आपको टेबल याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, आकृति डिसाइड कर सकते हो। तो आपकी केमिस्ट्री की बुक में दी हुई है वो जो टेबल है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता ना, तो मैं आपके स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस प्रकार का कि कौन से संकरण के लिए किस प्रकार की आकृति डिसाइड होती है। तो यहाँ पर वृक्षसमतुल्य दिया हुआ है ना, तो इसके लिए तो DSP2 आएगा हमारा, दिया होगा आपके चार ऑप्शन, ये फर्स्ट में दिया हुआ है DSP2, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर अब आप बोलोगे किस प्रकार से दिया आपने, तो वो टेबल के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, और वो टेबल आपकी केमिस्ट्री की बुक में आपको मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिलते तो उस टेबल के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। सो देखा जाए स्टूडेंट, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बन सकता है। ठीक है ना, आकृतियों के ऊपर किस प्रकार का हाइब्रिडिशन बनेगा। ठीक है, तो बना दूंगा उसके ऊपर मैं वीडियो, नो टेंशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर DSP2, उस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसैम्पल ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड ए एवरेज फार्मूला, यहाँ पर दिया हुआ है वाट फ्रैक्शन ऑफ मैंगनीज एक्सिस्ट ऑफ मैंगनीज एंड मैग्नीशियम प्लस 3 आयन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मैंगनीज ऑक्साइड के एक नमूने का औसत सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंगनीज का कौन सा अंश Mn2+ एंड Mn3+ आयनों के रूप में स्थितों में होगा। सिंपल, तो इस प्रकार को इसे सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन 3, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा करेंगे इसको, अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, लंबा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपन को करनी है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, pH ऑफ टमेटो जूस इज़ फॉर कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। टमाटर के जूस का pH 4 होता है। क्लियर, किसको पता नहीं है कि 4 होता है, सबको पता है, कोई ऐसा तो नहीं है ना स्टूडेंट जिसको पता नहीं है कि कितना होता है pH। pH सबका याद रखना है आपको, HCl का भी रखना है, इमली का भी आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी कुछ सोर्स और वेजिटेबल्स फ्रूट होते हैं उनका थोड़ा सा याद रख लेना, आप अपने ब्लड का भी याद रख लेना, है ना। तो अब चलते हैं कि टमाटर का जूस का pH 4 होता है, इतना सा तो क्लियर कर दिया इस सवाल ने। इनमें हाइड्रोजोनियम आयनों की सांद्रता अपन को निकालनी है, तो वेरी सिंपल, इसको निकालना नहीं आता वो सीख लेना, दिखाने जा रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी मेथड से ये हमारा जो
सवाल है ये सोल्व होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर 44 दिया हुआ है ना, पीएच माइनस लॉग H3O प्लस, ठीक है, H3O प्लस यहाँ पर दिया हुआ है। बट यहाँ पर हमारे पास जो पीएच मान दिया हुआ था वो ओनली 4 दिया हुआ था, यहाँ पर 4.4 है, तो इसकी जगह पर आपको 4 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंपल सा वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा जो यहाँ पर लगता आ रहा है, ठीक है। 4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग H3O प्लस, क्लियर। इसके बाद H3O प्लस हमारा आ जाएगा एंटी लॉग करके, माइनस 4 हम लिख देंगे। उसके बाद जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ रहा ना, उसे थोड़ा कम बैठेगा, तो हमारा आंसर बैठेगा 0.001, ठीक है। करके आप देख लेना, अब यहाँ करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया है, सिंपल, ठीक है। अब आप किसी भी प्रकार का इस तरह का सवाल आ जाए आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.001, क्लियर है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं ना उसके ऊपर, इस वीडियो में जो भी आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि इसका आंसर ये हो जाएगा, क्यों होगा, तरीका आपने देख लिया कि उस वजह से होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्टाइजिंग एजेंट इज, यानी कि पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाए, जी बिल्कुल ज़रूर पूछे जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और हार्ड भी पूछे जाएंगे, सभी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बट आप मेहनत करते रहे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे सभी प्रकार के पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आया ना, जिसने ये थ्योरी पढ़ी होगी, किताब पढ़ी होगी, बुक पढ़ी होगी अच्छे से, तो इसको ईजिली कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसने पढ़ा होगा कि पेप्टाइजिंग क्या है, तो पता हो गया होगा, अगर प्रैक्टिस की होगी किताब पढ़ने की, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, सीधा सा, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सीधा सा आपको बता देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये मैंने भी पढ़ा हुआ है बहुत सी बार बुक्स मैंने पढ़ी है, तो वहाँ पर मेरे को देखने को मिला था कि हमारा जो पेप्टाइजिंग एजेंट है वो हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि नॉन इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, हमेशा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक द्रव रागी क्लोराइड होता है। सो अगर आपको पता होगा तो आप यही करके आओगे कि हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्लियर। ये कब है, जब आपने प्रैक्टिस की होगी बुक पढ़ने की, तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि थ्योरी को पढ़ो जितना हो सके, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस रिवर्सिबली फ्रॉम 1 bar to 5 bar एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, ठीक है। जब एक आदर्श गैस का 1 मोल 300 केल्विन के नियत तापमान पर 1 bar से 5 bar तक उत्क्रमणीय रूप से संप्रित किया जाए तो किया गया क्या होगा। सिंपल, कार्य की गणना आपको करनी है, ठीक है, कर लोगे या नहीं करना आएगा, कैसे आएगा आपको, अगर पढ़ा नहीं होगा तो कैसे आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो तो होगा 4.01 kg, बट आप इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि कैसे आया इसका आंसर, ठीक है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आया इसका आंसर, 4.01 kJ कैसे आया। तो चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये इसी का आंसर है। आप करना क्या है, मोल की जगह आपको उसका मान रख देना है, ठीक है। P1 की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है, P2 की जगह यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ आपको 5 कर देना है, ठीक है, 5 कर देना है। उसके बाद T हमारा सेम है, 300 केल्विन यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये जो आप देख पा रहे हो NRT इन P1/P2, यही फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको 4 की जगह 5 कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जो आंसर है वो आएगा ना, हमारा कितना आएगा, +3 आएगा, ठीक है। तो इससे आपको समझना है कि 4 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा। आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन पा जाए इधर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में 18 दिया हुआ है, सेकंड में माइनस का 14 दिया हुआ है, और जो हमारा थर्ड है उसमें 4 दिया हुआ है, और जो हमारा 4 है ना वहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो आप इससे देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो 3 और 4 के बीच आना चाहिए, तो वो हमारा राइट ऑप्शन इस वजह से 4 हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।
ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। लाइक से तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लाइक आ रहे, तो सेकंड वीडियो भी जल्दी से जल्द बनाया जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।